मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी भाषा का तीसरा है विवेक की सूझबूझ, विवेक की सूझबूझ का दूसरा खंड भेज रहा हूँ। पहले खंड में मैंने विवेक के संदर्भ में और उसके परिवार के संदर्भ में बताया कि वो लोग किसी शादी या समारोह के मकसद से कहीं बाहर गए हैं। बाहर जाने का मतलब कि वो कोलकाता गए हैं और कोलकाता जाने के बाद विवेक घर पर अकेला रह जाता है और रहने के बाद उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। घटनाएं के संदर्भ में बताया गया था कि उसके घर में कुछ चोर घुस जाते हैं और वो ईमेल के द्वारा एक चैनल को भेजता है, मैसेज चैनल को भेजता है और चैनल के लोग वहाँ पर पहुँच करके वो सीन दिखाते हैं और वो सीन विवेक के मामू के पापा जहाँ पर गए थे वहाँ भी कुछ बच्चे टीवी देख रहे थे। उनका छोटा भाई भी टीवी देख रहा था, विवेक का छोटा भाई भी देख रहा था और जैसे ही अपने घर को देखता है, घर को देखने के बाद वो समझ जाता है और समझने के बाद वो जब अपनी इस बात को अपने पापा से बताता है कि हमारे घर का दृश्य पापा टीवी पे दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कहते हैं आप इस खंड में देखिए। बेटा, वह किसी और का घर होगा, मेरे घर में आज तक कोई शूटिंग नहीं हुई है, विवेक के पापा ने हंसते हुए कहा। और जैसे ही विवेक का भाई उसे अपने विवेक के भाई ने छोटे भाई ने अपने पिता से यानी विवेक के पिता से वो बातें बताता, उनके पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, ये किसी और का घर होगा क्योंकि आज तक हमारे घर में कोई शूटिंग नहीं हुई, कोई फिल्म वगैरह की शूटिंग नहीं हुई, तो ये घर टीवी पर कैसे दिखाई दे रहा है। आगे उनका लड़का कहता है नहीं पापा जी, वह अपना ही घर है। टीवी वालों ने बताया है कि वे यहाँ का लाइव टेलीकास्ट दिखाने जा रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम आज से पहले कभी कहीं नहीं दिखाया गया है, अंश ने जोर देते हुए कहा। अब जब वो मानने के लिए अपने लड़के से कहते कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता है, तब उनका लड़का जोर देकर कहता है कि नहीं पापा, वो घर तो अपना ही है। और टीवी वाले ने बताया है, अर्थात टीवी चैनल वालों ने बताया है कि यहाँ से लाइव टेलीकास्ट दिखाने का प्रोग्राम हम लोग या कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इससे पहले ये प्रोग्राम कभी भी दिखाया नहीं गया था। तो जब इतनी बात सुनते हैं तब क्या होता है, विवेक के पापा अंश की बात मानने को तैयार नहीं थे लेकिन उनकी मम्मी उत्सुकतावश अंश के साथ चली गई। अगले ही पल उनकी आंख चीख सुनाई पड़ी, जल्दी आइए, ये तो अपना ही घर है। अब कहने का मतलब कि जो विवेक का भाई अंश अपने पापा से कह रहा था तो उसके पापा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी ने इस बात को जाना, उसकी मम्मी तुरंत उस बात को मान जाती है और मानने के बाद जैसे ही वो उस कमरे में जाती है जहाँ पर टीवी चलता है और कमरे में जाने के बाद देखती है तो उन्हीं के वास्तव में उन्हीं के घर का चित्र दिखाई दे रहा था। जब इस बात को देखती है तो काफ़ी चीखने लगती है, आश्चर्यचकित होकर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहते हैं कि अब वो चिल्लाते हैं अपने पति को कि और इशारा करके चिल्लाती है आइए ये तो अपना ही घर है। सभी लोग दौड़कर टीवी वाले कमरे में पहुंचे, टीवी पर विवेक के घर का दृश्य दिखाया जा रहा था। अचानक एक कमरे की खिड़की पर कुछ हलचल दिखी, अगले ही पल कमरा उस खिड़की पर टिक गया और वहां का दृश्य स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। कहने का मतलब जैसे वो लोग पहुंच करके टीवी वाले कमरे में जाते हैं और सभी लोग जाने के बाद टीवी पर एक दृश्य दिखाया जा रहा है, छोटा सा दृश्य दिखाया जा रहा था और दिखाते दिखाते जो कैमरे की नज़र है वो खिड़की पर जाती जहाँ कुछ हलचल वगैरह हो रही थी, जहाँ कुछ मतलब काम हो रहे थे, काम का मतलब समझ रहे हैं वो कैसा काम हो रहा, चोरी के जो काम हो रहे थे, तो वहाँ पर ले जाता है और वहीं जाकर कैमरा उसका टिक जाता है, रुक जाता है और वहाँ का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। खुली हुई खिड़की से एक व्यक्ति ने सिर हिलाकर इधर उधर झांका, चारों ओर शांति छाई शांति को देखकर वह इत्मीनान से बाहर निकला, इत्मीनान मतलब आराम से बाहर निकल आया। अगले ही पल खिड़की पर दूसरे व्यक्ति का चेहरा दिखाई देने लगा, उसने एक एक करके गठिया बाहर खड़े व्यक्ति को पकड़ानी आरंभ कर दी। अब होता क्या, जो खिड़की के पास खड़े होते हैं उसमें से एक व्यक्ति
खिड़की के पहले बाहर आता है और खिड़की के बाहर आने के बाद वो आ जाता है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ था, एक एक गठरी यानी जो भी सामान चुराई गई थी उसको उन्होंने पोटली बना ली थी, गठरी बना ली थी, और गठरी बनाने के बाद गठरी बनाने के बाद एक एक सामान को उस गठरी के माध्यम से बाहर यानी खिड़की से बाहर निकालने लगता है, बाहर निकालने लगता है वो। इसके बाद देखिए, अरे ये तो चोर है, मेरा पूरा घर लूट कर लिए जा रहे हैं। और ये टीवी वाले चोरों को पकड़ने के बजाय चोरों की लाइफ, चोरों का लाइफ कास्ट कर रहे हैं। विवेक के पापा गुस्से से उबल पड़े। अब जब वो अपने घर से चोरी हुए सामान को बाहर जाते हुए देखा तो उसके जो पापा है वो काफी गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं ये तो हमारे घर से चोर चोरी करके ले जा रहे हैं और लाइफ कास्ट वाले सिर्फ लाइव कास्ट यानी चैनल वाले सिर्फ हमें लाइव कास्ट दिखा रहे हैं, इसके लिए वो कुछ करते क्यों नहीं, वो कुछ करते क्यों नहीं। इसके बाद वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, काफी गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद होता है, जल्दी से पुलिस को फोन करो वरना ये चोर सब कुछ लेकर चंपत हो जाएंगे। अब इसके बाद उसके पापा कहते हैं ठीक है आप जल्दी से वहां पर पुलिस को फोन करो, यानी घर वाले एड्रेस पते पर वहां फोन करो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां से पुलिस क्या है, सॉरी चोर क्या है, पुलिस सामान को लेकर चंपत, चंपत का मतलब भाग जाएंगे। चंपत का मतलब क्या होगा, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। इसके बाद अगला देखिए, विवेक के पापा ने फोन का रिसीवर उठाया नहीं था कि अचानक चौंक पड़ेगा। खिड़की से उतरने के बाद दोनों चोरों से चोरों ने गठरियां उठाई ही नहीं थी कि बाहरी दीवार के पीछे कैमरामैनों और संवाददाताओं ने पकड़ लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे ही वो चोर सामान बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद अभी वो सामान जमीन पर रखे थे और उसे उठाने वाले थे, तब तक होता क्या है, उस जैसे उठाने जाते हैं उठाने के साथ उठाते हैं, इसके बाद कैमरामैन और दोस्त पुलिस जाते हैं और उनको रंगे हाथ अर्थात उसी समय वो पकड़ लेते हैं। श्रीमान जी, हमारे दर्शक ये जानने के लिए बेकरार है कि आप दोनों ने इस घर में किस किस सामान की चोरी की है। अब इसके बाद चैनल वाले अर्थात जो चैनल वाले जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे वो पूछ रहे हैं कि जनाब यानी श्रीमान, जनाब उर्दू लफ्ज है, कहते हैं श्रीमान आप ये बताने की कोशिश करिए कि आप इस घर से कौन कौन सी सामान बाहर लेकर जा रहे हैं। और इस चीज को जानने के लिए जितने भी दर्शक यहाँ खड़े हैं, देखने वाले खड़े हैं, वो बहुत ही बेताब है, बेकरार है कि वो कौन कौन सी सामान यहाँ से निकाल कर चोरी करके ले जा रहे हैं। क्या आप लोग अपनी गठरी को खोलकर हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, जो आप गठरी में सामान पैक करके ले जा रहे हैं तो क्या इन गठरियों को खोल करके दिखा सकते हैं कि आपने कौन कौन से सामान को चोरी किया है। एक संवाददाता ने अपनी माइक एक चोर के मुंह के सामने करते हुए पूछा, और ये सब सारी बातें एक जो कैमरामैन उसने देखे होंगे कि कैमरामैन होता है, एक संवाददाता होता है, ठीक है, तो संवाददाता ही एक चोर के सामने उसके माइक को ऑन करके उसके देता है, मतलब जो लोग पूछ रहे हैं जानना चाहते हैं कि आपने चोरी करके जो सामान यहाँ से ले जा रहे हैं आप बता सकते हैं कि आप कौन कौन से चोरी का सामान यहाँ से ले, चोरी करके कौन कौन सा सामान यहाँ पर ले जा रहे हैं। इसके बाद सर, क्या आप लोग अकेले ही ऑपरेट करते हैं या आपका कोई नेटवर्क है। इसके बाद वो सर से संबोधित करके, उन चोरों को सर से संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप ये भी बताने का प्रयास करें कि सिर्फ आप लोग अकेले ही चोरी करते हैं कि आप लोग किसी नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का मतलब पहले होता है एक जाल होता है कि आपका कोई जाल है, मतलब आपसे जुड़े और भी लोग हैं, आपसे जुड़े और भी लोग हैं। संवाददाता ने अपना प्रश्न भी दोहराया, सर क्या आप लोग सिर्फ चोरियां ही करते हैं या फिर डाके वगैरह भी डालते हैं। अब जो पहला प्रश्न उन्होंने किया था उसके बाद भी वो करते हैं। अब वो जो संवाददाता पूछता है कि श्रीमान जी ये बताने की कोशिश करिए कि सिर्फ आप लोग चोरी ही करते हैं कि इसके अलावा आप डाका वगैरह भी डालते हैं, तो जो भी करते हैं क्या हमें बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्या होता है, देखिए सर पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि चोरी जैसा महान कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। दूसरे संवाददाता ने पूछा, इसके बाद जो दूसरा होता है पहला पूछ रहा था, इसके बाद दूसरे संवाददाता पूछते हैं कि ये चोरी करने की ये प्रेरणा है, यानी कि जो मतलब आप लोगों के मन में ये बात आई है कि हमें चोरी करना चाहिए, तो जो ये कार्य है करने की प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब जिसके माध्यम से ऊपर कोई भी चीज़ें मिलती है, तो ये चीज़ें यानी
चोरी करने का माध्यम आपको कहां से मिला? दूसरे संवाददाता था, दूसरे समाचार पत्र वाले ने पूछा। इसके बाद क्या होता है, इतने सारे लोगों को देखकर चोर पहले ही हक्के बक्के हो गए थे, ऊपर से प्रश्नों की बौछार ने तो उनका होश उड़ा दिया। अपनी गठरियां फेंक कर दोनों वहां से भाग निकले, भागने लगे। कहने का मतलब कि एक तो चोरी का डर, कोई भी व्यक्ति चोरी करता तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर शिकन होती है, उसकी आहट होती है कि हमने ऐसा गलत कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं उसका था। और उसके बाद जो संवाददाता, एक के बाद दूसरे संवाददाता लगातार प्रश्न करते जा रहे थे, उससे उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और बिगड़ने के बाद वो क्या करता है, जितना भी सामान चोरी उन्होंने किया था उसको फेंकते हैं, और फेंकने के बाद वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों चोर यहाँ से भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमने इनके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। टीवी पर संवाददाता का कि जोश भरी आवाज गूंजी। अब जैसे कि आप लोग सोच, जैसे भागने की वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ होता है कि संवाददाता का रहते होता, आप लोग जब भाग रहे थे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके पकड़ने की व्यवस्था हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। दो पुलिस या कुछ पुलिस वालों को वहाँ पर इकट्ठा किए थे, और जैसे ही भागते हैं उनको वो संवाददाता पकड़ा देता है। इसके साथ ही कैमरा भाग रहे चोरों पर टिक गया। वे दोनों दीवार के पास पहुंचकर उस पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे, दोनों की के पीठ पर एक ही घूंसा पड़ा, और इसी के साथ बाहर से उछलकर नई पुलिस भीतर आ गई। इससे पहले कि वे दोनों कुछ समझ पाते, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कि कैमरा मैन जैसे भागने लगते हैं और दीवार को फांद करके नहीं कूद करके वो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं, इसी में क्या होता है कि जो कैमरे की नज़र है उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है, और भागते जैसे वो उस पर दीवारी पर चढ़ना शुरू करते हैं, दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं, इसके बाद पीछे से एक एक घूंसा उनको पड़ता है और उसके साथ वो जमीन पर आ जाते हैं, अर्थात जमीन पर पड़ जाते हैं, और उन्हें पुलिस क्या होती है, रंगे हाथों पकड़ लेती है। चलिए आज की डेट में इतना, कल आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके मैंने तीन खंड बनाए हैं और तीन खंड के माध्यम से ये आपको पूरा कंप्लीट हम करेंगे। अब इसके जो इतना पढ़ाने के बाद आपको इस प्रश्न के उत्तर देना है कि इसमें जो पहले संवाददाता ने चोर से कौन कौन से प्रश्न पूछे, चोर से कौन प्रश्न, क्या प्रश्न पूछे। इसमें दो तरह के प्रश्न हैं, लेकिन क्या में आप दोनों लिख सकते हैं। इसमें एक बार प्रश्न को फिर सुन लीजिए कि संवाददाता ने चोरों से कौन सा प्रश्न पूछे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, चोर वहां से क्यों नहीं भाग पाए। दूसरा जो प्रश्न है कि चोर वहां से क्यों नहीं भाग पाए, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर, दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके भेजना है। धन्यवाद।